हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। ठंड का समय है और हरे हरे मटर भी मिलते हैं और सीजन का मटर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ यूपी और बिहार का फेमस रेसिपी, मटर का निमोना रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, हम यहाँ पे ले लिए हैं मटर, लगभग 250 ग्राम मटर होगा। और उसके बाद हम ले लिए यहाँ पे 10 से 15 के लिए लहसुन की, 2 इंच अदरक है और 6 से 7 हरी मिर्च ले लिए हैं और 250 ग्राम मटर के दाने हैं। और ले लिए हैं 2 टमाटर और धनिया का पत्ता का यूज़ ज़्यादा होता है निमोना में, तो एक गड्डी जो आता है ना, हम उतना एक गड्डी पूरा ले लिए हैं धनिया का पत्ता का। और डंठल को ज़्यादा तोड़ेंगे नहीं हम, डंठल से भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, उसके बाद चढ़ा दिए गैस पे हम पानी और उसमें मटर को हम उबालेंगे। बहुत ज़्यादा हम नहीं उबालेंगे, बस एक इसमें जो है ऐसे होगा, थोड़ा सा उबाल आने लगेगा और हम गैस बंद कर देंगे। जैसे पानी गर्म होगा और गैस बंद कर देंगे। कच्चा मटर का निमोना बनता है, पर उसका टेस्ट जो है ना, वो थोड़ा अलग रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको उबाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे पानी गर्म हुआ और हम निकाल लिए इसको, उसके बाद हम मटर को रख देंगे ठंडा होने के लिए। और ये देखिए, ले लिए एक मिक्सर जार, उसमें डाल दिए धनिया का पत्ता, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च को इस तरह से तोड़ के भी डालें या फिर ऐसे भी। और टमाटर को हम बाद में यूज करेंगे और इन सभी को पीस लेंगे। तो ये देखिए, सारे जो है धनिया का पत्ता सब इन सभी का पीस लिए हैं, पेस्ट हम तैयार कर लिए। उसके बाद इसी में हम डाल देंगे ये मटर और मटर को भी पीस लेंगे। बहुत बारीक सा इसको जो है, बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है, बारीक रखना है इसको, थोड़े बहुत टुकड़े भी रहने चाहिए। तो ये देखिए, धनिया को हम पीस लिए हैं, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। एक तरह से तो ये चटनी भी तैयार हो गया है। और उसके बाद ये देखिए, हम चढ़ा दिए गैस पे, कढ़ाई हो गया है गरम। उसके बाद ले लिए हम 2 कच्चा आलू और इसको क्या कैसे लंबाई में और चौकोर शेप में भी इसको जो है कट कर लिए हैं। तो तेल हो गया हमारा गरम, तब हम इसमें डाल दिए आलू को। आलू को हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो है फ्राई लेकिन करना है इसको, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए तेल में। आलू आपके ऊपर डिपेंड करता है, पसंद हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। बिना आलू का ही निमोना जो है अच्छा लगता है, आलू डालने से थोड़ा और जो है टेस्ट बढ़ता है। तो जैसे पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं, आलू डाल के भी या फिर बिना आलू का भी। तो देखिए, आलू हमारा हो गया फ्राई, तो हम निकाल लिए। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, उसी तेल में मटर जो हम पीसे थे ना, उसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, भूनना है मटर को, फ्राई नहीं करेंगे, भूनेंगे मटर को, ताकि इसका जो भी पानी होगा ना, वो अच्छे से जो है वो सूख जाएगा और खाने में जो है इसका टेस्ट बढ़ जाता है भूनने से। तो देखिए, हमारा मटर भुन गया है लगभग 3 से 4 मिनट में। और उसके बाद हम कढ़ाई को जो है साफ़ करके चढ़ा दिए फिर से गैस पे, हो गया गरम, डाल दिए हैं तेल। तेल हो गया हमारा गरम, लगभग 4 से 5 टेबल स्पून जो है इसमें तेल डाले हैं सरसों का। उसके बाद इसमें डाल दिए 1 चम्मच जीरा। जीरा चटक जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 सूखे लाल मिर्च तोड़ के, देखिए। और उसके बाद डाल दिए हम इसमें धनिया, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक जो पीसे थे ना, पेस्ट बनाए थे, उसको डाल देंगे हम इसमें। हरी मिर्च का भी यूज़ ज़्यादा होता है और अदरक का भी, और धनिया का पत्ता का तो सबसे ज़्यादा। तो ये देखिए, 1 मिनट जो है धनिया को भूनने के बाद हम डाल दिए इसमें टमाटर। टमाटर डालने के बाद डाल दिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अगर आप चाहें तो टमाटर को ना, धनिया का ये पेस्ट डालने से पहले भी भून सकते हैं या फिर बाद में भी। तो इसी तरह से जो हम अच्छे से जो है भून लेंगे मसाले, जो हमारा फ्राई होना चाहिए, जैसे सब्जी के मसाले तैयार करते हैं ना, उसी तरह से इसको भी जो है भूनना है, अच्छे से ये भुना हुआ होना चाहिए, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। तो देखिए, उसके बाद हम डाल दें इसमें आलू। मसाले जो है भून गया है, लगभग 3 से 4 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे भुने हैं, मसाले को लो फ्लेम पर ही भूनिए, नहीं तो ये जल जाएगा। उसके बाद आलू डालने के बाद जो 1 मिनट और भुने हैं, लगभग कहिए तो पूरे मसाले को भूनने में 5 से 6 मिनट का समय लगा है। उसके बाद डाल दिए हम मटर। मटर तो भुना हुआ है ही, लेकिन इसके साथ डाल के हम और भी इसको भूनेंगे। और जैसे जैसे भुन रहा है तो देखिए, कलर भी चेंज हो रहा है। और इसके बाद जो हम इसमें हल्दी नहीं डाले हैं, ना ही लाल मिर्च पाउडर डाले हैं। हल्दी डालने से थोड़ा इसका जो है कलर पीला हो जाता है, हरा नहीं रहेगा, इसीलिए हम हल्दी नहीं डालें। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं।
उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं पानी। ये देखिए जो मटर मिक्सर जार में पीसे थे ना, उसी में डाल दिए हैं पानी, उसी से खंगाल के। तो 1 से 1.5 गिलास पानी जो हम इसमें डाले हैं, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना पतला खाना पसंद करते हैं उतना पतला इसको जो है कर सकते हैं, पानी अपने अकॉर्डिंग डालिए। गाढ़ा खाते तो गाढ़ा, पतला खाते हैं तो पतला। उसके बाद हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे, और जैसे ही उबाल आने लगेगी उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे लो, और लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जो गैस कर देंगे बंद। तो हमारा जो है मटर का निमोना हो गया है, बन के तैयार। तब हम इसको क्या करेंगे, सर्व कर रहे हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी मटर का निमोना हो गया है बन के तैयार, यूपी और बिहार का फेमस डिश बन के हो गया तैयार। और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ठंड के समय में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये निमोना खाने में, चावल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं। हम इसमें मिर्ची पाउडर भी नहीं डाले हैं, क्योंकि हरी मिर्च का यूज़ ज़्यादा किए हैं, अदरक से भी ये जो है तीखा होता है, और लाल मिर्च भी 2 डाले हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, और इतना ही मसाला इसके लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा मसाले का यूज हम नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है इसका इतना ही मसाले पे। और बनाना कितना आसान है ये तो आप सभी ने देखा ही। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये मटर की निमोना का रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आए आप सभी को तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।